Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapters. Chapter number 6, Triangles and its Property. Now, I think it is very important chapters for the point of view of the higher classes, because in these chapters we discuss so many points, means the triangles, about the triangles, medians, altitudes and the properties of triangles, that means angle sum properties, and the sum of two sides is always greater than to the third side, so many things. Okay, now all the concepts are mainly used in higher classes, so this chapter is very important for the point of view of the higher classes, so don't miss this video up to end. Okay, so I request all of you, please see the video up to end, pura is video ko pura dekhe, okay. Now hum iske स्टार्टिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम एक ट्राइंगल्स को ड्रॉ करते हैं एंड राइट द नेम ए बी एंड सी. अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस ट्राइंगल्स, ओके, एलिमेंट्स मीन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल्स के कितने टोटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है. नाउ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थ्री पार्ट्स, ओके. नाउ मेनली वी डिवाइड्स द ट्राइंगल्स इन थ्री पार्ट्स and each parts again divide in three. That means first we have to take vertex, the second side, and the third one is angle. Okay, ye teen mainly hum isko teen part mein divide karte hain, vertex, sides and angles. Okay, sabse pehle hum vertex ki baat kare, so this triangle is having three vertices, ओके, ए बी एंड सी, तीन वर्टेक्स होते हैं ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पॉइंट, क्लियर. सेकंड हम साइड की बात करें, सो ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है, ये आपके पास हो गए साइड्स. सो वी हैव टोटल थ्री साइड्स, डोंट राइट इन, जस्ट राइट इन बार, बिकॉज देर आर लाइन सेगमेंट्स, नॉट लाइन, it is line segment. So AB, BC and AC. Okay. Now angles, first, second, third, we have told three angles. So we have to write here angle A, angle B and angle C. Also we can write the name of A. How can write angle BAC, एंगल ए को हम बी ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है. बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जो तरीका यूज़ करना चाहें. मैंने केवल एक एंगल को बताया कि एक एंगल्स को लिखने के ये तीन तरीके, या तो एंगल्स ए लिखें, या एंगल बी ए सी करें, या सी ए बी. बट तीनों में से जो राइट ऑप्शन है वो दो है, यानी कि हम इसको और इसको हम करेक्ट मानते हैं. सपोज़ कीजिए इन दोनों में से पूछा जाए, सबसे करेक्ट है तो दोनों करेक्ट है, लेकिन मोस्ट करेक्ट कौन सा है, सबसे अच्छा इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, ये वाला पार्ट, बिकॉज बी ए सी. अब इसमें अल्फाबेटिकली आप देखें तो बी सबसे पहले आता है, ए तो हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है. अब बी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम अल्फाबेटिकली जो पार्ट, जो लेटर सबसे पहले आता है उसको हम चूज करते हैं. सो इट इज़ द राइट वे टू शो द एंगल्स, ओके. तो ये हो गया आपके तीन, टोटल इसके नाइन पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स, नाइन पार्ट्स, ओके. बट वी डिवाइड्स द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड साइड्स, ओके. सो आई एम अगेन राइट हियर बेस्ड ऑन साइड, फर्स्ट मैंने लिखा है बेस्ड ऑन साइड. अगर आप यहाँ पर बेस्ड ऑन साइड की अगर बात करें तो साइड्स के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल्स के कितने कितने इस तरह टाइप्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री टाइप्स. द फर्स्ट है आपके पास स्केलेन ट्राइंगल, नहीं फर्स्ट आप लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, बोलिए आप इक्विलेटरल से स्टार्ट करें या स्केलेन से करें, कोई दिक्कत नहीं है. सो स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल बी, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ओके.
ये तीन टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, स्केलन ट्रायंगल, ओके, द फर्स्ट वन इज स्केलन ट्रायंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अच्छा, इनके डिटेल हमने क्लास सिक्स में अच्छे से पढ़ा है। स्केलन ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, ऑल साइड्स हैविंग डिफरेंट, ओके, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, देन दिस ट्रायंगल इज नोन एज द स्केलन ट्रायंगल्स। इफ इन अ ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स आर सेम, देन इट इज नोन एज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती है उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दो साइड्स इक्वल होती है उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों साइड डिफरेंट होती है नॉन एज स्केलन ट्रायंगल्स, ओके। ये था बेस्ड ऑन साइड। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन एंगल, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल। सेकेंड बात करें अगर बेस्ड ऑन एंगल्स, ओके, जैसे फर्स्ट आपके पास नेम आ रहा है, फर्स्ट जैसे आपके पास है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। बी आपके पास आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मैं अब यहां पर जो ट्रायंगल है उसकी जगह एक सिंबल यूज करूंगा बार बार, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ओके। और वन मोर, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तीन टाइप के एंगल्स होते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। अगर एंगल्स की फॉर्म में हम किसी ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स का मतलब होता है व्हेन ऑल एंगल्स आर एक्यूट, सारे एंगल्स एक्यूट होते हैं तो उसका नेम हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सारे एंगल्स एक्यूट होने चाहिए, एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90, सारे एंगल्स लेस देन 90 अगर है देन इट इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिसे एक ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल जिसे मैंने ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल्स में ये वाला जो एंगल्स है ना, एक एंगल्स, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स के अंदर कम से कम एटलीस्ट वन एंगल शुड बी मोर देन 90, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल्स होना चाहिए वो, तो उस कंडीशन में उस ट्रायंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इनके डायग्राम भी मैं यहाँ जैसे ले लेता हूँ, इट इज नोन एज एक्यूट, नाउ इट इज नोन एज ऑब्ट्यूज, एंड इसका एग्जाम्पल हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता हो, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो दीज आर द नेम्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। सो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रायंगल्स। नाउ इन दिस ट्रायंगल्स वी हैव सम, इफ यू ड्रॉ वन लाइन, सपोज एक लाइन आपने ये ड्रॉ किया और एक लाइन आपने ये ड्रॉ किया, ओके। नाउ दिस टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट डी एंड दिस पॉइंट इज ई, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइड ए सी ए डी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ ए ई। नाउ इन नेक्स्ट वी लर्न अबाउट दिस टू लाइन। नेक्स्ट, मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। एल्टीट्यूड और मीडियन, ये दोनों पार्ट्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो एल्टीट्यूड किसको बनाए और मीडियन किसको बनाए, है ना। वो एक ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको वो मीडियन भी बता देते हैं और एल्टीट्यूड भी बता देते हैं, तो ये पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है, दोनों कंडीशंस होती हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट मीडियंस, ओके। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, वन ट्रायंगल, ड्रॉ द सेकंड ट्रायंगल्स लाइक राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड वन मोर ट्रायंगल, थ्री ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये बात करते हैं हम इन तीनों ट्रायंगल्स में
मीडियंस की बात करते हैं, मीडियन होता क्या है। जैसे देखो नेम से इसका थोड़ा सा मीनिंग पता लग रहा है कि मीडियन का मतलब होता है कि जो मीडियन से पास होता हो, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी साइड्स के मीडियन से पास होती हो। दैट मीन्स सपोज इट इज़ ए बी एंड सी, ये आपका एक पॉइंट है ए। अब इस पॉइंट से नाउ द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियंस, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक ऐसा लाइन सेगमेंट से जो कौन कौन से पॉइंट्स है, फर्स्ट इज द वर्टेक्स, एक तो वो वर्टेक्स से जाएगा, एंड द सेकेंड पॉइंट्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट टू द वर्टेक्स, यानी कि इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट, यानी कि ये इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हैं देन दिस इज नॉन एज अ मीडियन। ओके, दिस इज नॉन एज अ मीडियन, ये मीडियन कहलाता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशंस, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वन इज द वर्टेक्स एंड द सेकेंड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट टू द वर्टेक्स, जो भी वर्टेक्स आप ले रहे हैं उसके सामने जो साइड्स होती है उसका मिड पॉइंट होता है। सपोज कीजिए ये आपने ड्रॉ किया, अगर आप इस वर्टेक्स को अगर हम लें तो इसके सामने ये वाली साइड से, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, इस जगह होगा, और ये आपने ज्वाइन किया, देन इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द मीडियंस फ्रॉम बी, बी से ये आपका मीडियंस कहलाता है। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ फ्रॉम सी, सो ये वाला पार्ट, ओके, सो डी ई एफ। तो किसी भी ट्राइंगल्स में हम मैक्सिमम थ्री मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी, थ्री, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीनों वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर अगर आप करवाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आपके पास आता है दिस इज नॉन एज मीडियन। तो ये इसके अंदर हमने थ्री, अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर मीडियन क्या होगा, जैसे ये आपका मिड पॉइंट, तो पहला मिड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, ये यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन किया आपने, ये मिड पॉइंट, तीसरा आपका ये मिड पॉइंट, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ए बी आर ये सी डी ई एफ, ये आपका हो गया, क्लियर। इसकी अगर बात करें तो सेम, जैसे ये आपका मिड पॉइंट और ये आपका वर्टेक्स, तो फर्स्ट ये मीडियन, सेकेंड अगर ये आपके पास गिवन है ये मिड पॉइंट है, सो ये हो गया और ये हो गया आपका मिड पॉइंट, ए बी एंड सी डी ई एंड एफ। अब देखें अगर आप तीनों ट्राइंगल्स के अंदर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जिसको हम कहते हैं जी पॉइंट, लिया हमने सपोज जी पॉइंट या ओ पॉइंट, वट एवर जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। नाउ दिस इज नॉन एज द सेंट्रोइड, इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज नॉन एज सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये था आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट, मीडियंस के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स के अंदर फिर से अपन क्या कर रहे हैं, तीन ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट एक अपने इस टाइप का ट्राइंगल ले लिया, सेकंड ट्राइंगल्स हमने ले लिया एक ये ट्राइंगल्स ले लिया, और थर्ड अपने ले लिया एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये अपने एक सॉरी, ठीक है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। अब एल्टीट्यूड्स का एक अदर नेम और होता है जिसको हम कह सकते हैं हाइट, एल्टीट्यूड कहें या फिर हाइट कहें, उस ट्राइंगल की हाइट, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब देखो अगर हम इस ट्राइंगल्स की बात करें तो ये इसका जैसे वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स और ये जो बेस लाइन है इसके बीच में जो हाइट्स होती है, जो एल्टीट्यूड्स होता है, दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसमें कोई मिडिल पॉइंट, अगर ये जैसे ए है आपका, ये बी पॉइंट है, इट इज़ सी पॉइंट्स एंड सपोज इट इज़ डी पॉइंट्स। अगर अब स्टूडेंट्स ने जैसा इसमें आपने इसको मिड पॉइंट लिया था, तो अगर आपने गलती से इसको मिड पॉइंट बोल दिया देन इट इज़ रॉन्ग, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो एल्टीट्यूड होता है वो एल्टीट्यूड कभी भी
जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मिड पॉइंट पर ही उसको कैंसिल करे या मतलब उसको ज्वाइन करे, ये कहीं भी हो सकता है। बट कंडीशन ये है कि जो एल्टीट्यूड वाली जो एल्टीट्यूड है वो बेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल्स बनाता है। अब देखो आप मीडियंस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ये 90 डिग्री है, ये कुछ भी एंगल्स हो सकता है, इट मे बी एक्यूट हो सकता है, ऑप्टिस हो सकता है ना, कुछ भी एंगल्स हो सकता है, बट इन एल्टीट्यूड इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री, हमेशा क्या होगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। अच्छा ये था ए से, अब बी से अगर बात करें कि बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है देन कैसे ड्रॉ करेंगे, जिसे हम बात करते हैं बी से, तो ये आपने ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड आपका 90। सी से अगर बात करें तो ये आपका हो गया एल्टीट्यूड ये सी पर। तो कुल मिला के इसके अंदर भी आप थ्री एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल्स में मैक्सिमम थ्री एल्टीट्यूड हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो एल्टीट्यूड्स कहाँ पर उनकी पोजीशन क्या होगी। जैसे हम अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स लेते हैं देन ऑल एल्टीट्यूड्स आर लाई इन द ट्रायंगल, यानी कि वो हमेशा ट्रायंगल के बीच में ही आएंगे कहीं भी हो, लेकिन वो मिडिल इसके बीच जो एरिया है इस ट्रायंगल का जो एरिया उसी में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये किस में होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो अब ये देखो ये ऑलरेडी 90 है आपके पास, है ना, देन दिस साइड इज नोन एज द एल्टीट्यूड। अगर आप इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट यानी इस बेस की अगर बात करें देन ए बी साइड इट्सेल्फ नोन एज द एल्टीट्यूड। ओके, अगर हम साइड सी की बात करें तो ये जो साइड है दिस साइड इज नोन एज द एल्टीट्यूड, क्योंकि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल्स बना रही है, दोनों साइड्स, ये भी साइड है ये भी साइड है, दोनों के बीच में एंगल भी 90। इसका मतलब एक एल्टीट्यूड तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा क्या हुआ, ये यहाँ पर ये 90, तो ये आपका हो गया थर्ड। ठीक है, तो ट्राइंगल एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जिसमें दो साइड्स इटसेल्फ एल्टीट्यूड्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के एल्टीट्यूड्स होते हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर, तो ये ध्यान रखना आपके। ठीक है, और इनके जो दोनों एल्टीट्यूड्स हैं वो साइड्स के ऊपर ऑन द लाई ऑन द साइड्स। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसका इसकी बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स के अंदर आपका जो एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल के बाहर की तरफ एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये वाली वर्टेक्स लिया, इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो अब आपको इस साइड को आगे की तरफ इस तरह से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो ये ट्रांसफ़र किया देन ड्रॉ अ लाइन विच इज़ ये, तो आपके पास ट्राइंगल तो ये है ए बी सी है, लेकिन जो ए डी है दिस ए डी इज नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल्स ए बी सी व्हेन द ए बी सी इज नोन एज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो तीन एल्टीट्यूड जो होते हैं उसमें से कोई ना कोई ट्राइंगल्स एल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल के बाहर की तरफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्ट। अब दूसरी बात अगर करें इस पॉइंट से, तो आपको इस साइड्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एल्टीट्यूड। इसकी अगर बात करें, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर बाहर की तरफ भी हो सकता है, कुल मिला के डिपेंड करता है आपका कि ये किस टाइप का। तो कम से कम एक एल्टीट्यूड बाहर की तरफ जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अबाउट द एल्टीट्यूड्स अबाउट द मीडियंस। एंड नेक्स्ट वी सॉल्व द एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.1. Now we solve the exercise 6.1. Now it is based on the introduction of triangle, that means the altitude and the medians of the triangles. Okay, so very first question is in triangle PQR, now we draw triangles P, Q and R. In these triangles M, and this is the point D, okay, D point.
Now in this, now in triangle PQR, D is the midpoint. Okay, so D is the midpoint. Remember it, D is the midpoint of side QR. D जो है वो QR का midpoint है. अब इस पे best question first क्या है? PM, देखो PM लिखा है और यहाँ पर उन्होंने एक 90 degree का angle भी बना रखा है. So PM, PM को हम क्या बोलेंगे? PM is known as the altitude because here it's from 90 degree from base, so it is known as PM is an altitude. Okay, it is an altitude, and PD is a median because why it is median? Because PD join two points, one is the vertex and second is the midpoint of the opposite of the vertex, sides of opposite the vertex, so it is known as the. Now the next question is QM, is QM yani ye wala part hai, QM is equals to MR, kya ye wala part is parts ke equal hai? So the answer of this question is no, because M is not a median, okay, a middle point. So because M is not a midpoint, ये हम लिख सकते हैं, because M is not a midpoint of QR, वो QR का कोई midpoint नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि QM जो है वो MR के equal नहीं है. लेकिन इसके जगह question आता, क्या QD, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस जगह, क्या QD is equals to DR? So what is the answer? Yes, because it is given D is the midpoint of side QR. उस केस में तो yes है, but इस केस में ये आंसर होगा no. तो ये आपका first question हुआ. Now in second question, draw a rough sketch for the following. अब ये तीन केसेस आपके पास given है, इनके आपको rough sketches बनाने हैं. ठीक है? जैसे first, एक ऐसा triangles आपको draw करना है ABC, जिसके अंदर BE आपका एक median हो. तो हमने कोई भी एक triangle ले लिया, किसी भी type का triangles आप ले सकते हैं. Suppose ये ले लिया आपने एक ट्रायंगल्स, इन दिस ट्रायंगल्स नाउ इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी. अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने ए क्यों लिया, आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी इस वर्टेक्स को आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ मैंने बी इसलिए ऊपर की तरफ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर बी ई के बारे में पूछा है, बी वर्टेक्स और बी ई, यानी कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट यहाँ होगा क्योंकि ये मीडियन है. ओके, तो यानी कि मिडिल पॉइंट्स को इसको ज्वाइन करेंगे. So it is the diagram for the given situation. ये इस situation का ये diagram है. Next, draw a triangle PQR. अब आपको एक triangles draw करना है PQR. In this triangles, PR and P, PQ and PR are the altitude. यानी कि मैं जैसे draw कर रहा हूँ ये वाला triangle. देखो आप P, Q और R. अब हमने P इसको क्यों लिया, क्योंकि देखो ये दोनों के अंदर P एक कॉमन आ रहा है. ठीक है, जो दोनों एल्टीट्यूड है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी कंडीशन केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही बनती है कि जब साइड्स आपस में क्या हो, एल्टीट्यूड, क्योंकि ये पी क्यू आर में पी आर साइड है और पी आर भी साइड है और पी क्यू भी साइड से, तो साइड्स एल्टीट्यूड कौन से कंडीशन में बनते हैं, जब वो राइट एंगल्स की साइड्स हो, है ना. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड सिचुएशन. द नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐसा ट्राइंगल्स ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपका जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड बाहर की तरफ बने, वो आपको बताना है. ठीक है, देखो अब इसका नेमिंग क्या लेंगे, जैसे इसमें वाई आ रहा है तो हमने इसको लिया वाई. ठीक है, इसको अंदर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, सो टेक हियर वाई, और इसको आप कुछ भी ले ले, एक्स वाई, और ये हो गया आपका जेड. अब आपका एल्टीट्यूड कहाँ पर बनेगा, व्हेन वी एक्सटेंड दिस साइट देन इट इज नोन एज अवर एल्टीट्यूड एंड नेम ऑफ दिस पॉइंट इज एल. ठीक है, सो वाई एल, ये इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड, और ये एक्सटीरियर है यानी कि ट्राइंगल जो है आपके पास उसके बाहर की तरफ ये एल्टीट्यूड बन रहा है, और ये कंडीशन किस में होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, एंड मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड,
and it's the last question of this exercise 6.1. Now this question is based on the geometry, okay? That means the constructions. Verify by drawing a diagrams if the median and altitude of an isosceles triangles can be same. ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको एक isosceles triangles draw करना है, फिर आपको ये प्रूफ करना है कि इस isosceles triangles के अंदर आपका altitude और median दोनों ही एक ही लाइन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अब बाय कंस्ट्रक्शन इसको करना है, ड्राइंग अ डायग्राम बनाना है, या तो आप रूलर एंड द कंपास का यूज़ करके आपको डायग्राम बना के इसको सॉल्व प्रूव करना है. तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंडमली रूलर की यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड नेम दिस लाइन एज ए बी. ओके, अब इस ए बी का हम फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट आप कैसे कंपास का कैसे निकालते हैं, मोर देन हाफ एक आर्क लेंगे, मोर देन हाफ ऊपर की तरफ इस तरह से कट करेंगे, एक नीचे की तरफ कट करेंगे, इस तरह से कट किया, इस तरह से कट किया, और फिर आप जब भी इसमें आप रूलर रख के आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है इन दोनों को मीट करने वाली ज्वाइन करने वाली लाइन इसको यहाँ पर कट करेगी. दैट मीन्स वी फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए बी. सपोज दिस सी द नेम ऑफ दिस इज डी. ठीक है, अब पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और ट्राइंगल भी किस साइड का है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक जैसे इस ये वाला जो ट्राइंगल आप चाहे इसी को ज्वाइन कर लें या अलग अलग ज्वाइन करें कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे सपोज कीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरह से ही लाइन ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो. तो क्लास सिक्स में एक आपने एक थ्योरम्स पढ़ी हुई थी, है ना, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इस डिस्टेंस के इक्वल होती है. तो आप देखो ट्राइंगल ए बी सी में व्हेन दिस टू साइड्स आर इक्वल देन दिस ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स है, ये इसका मिड पॉइंट है, देन दिस लाइन इज नोन एज, दिस लाइन इज नोन एज मीडियन. पहली बात तो हमने क्या किया, इसका एक मीडियन ड्रॉ कर लिया, मीडियन. ठीक है, तो एक ट्राइंगल भी बनाया आपने यूजिंग कंपास रूलर, और आपने इसका एक मीडियन भी ड्रॉ कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसका एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो क्लास सिक्स में आपने एक कंस्ट्रक्शन किया था नॉट ऑन इट, अगर आपको याद है, नॉट ऑन इट ड्रॉ परपेंडिकुलर from a point which is not on the line, draw perpendicular. तो आपने क्या किया था, इस पॉइंट से कंपास को रखकर आपने इस तरह से एक ड्रॉ किया था, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिले, फिर इन दोनों पॉइंट से आपने यहाँ पर या बीच में कहीं भी आपने इस तरह से इसको कट किया, और कट करने के बाद जब आपने इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया देन वी गेट अ 90 डिग्री. दैट मीन्स ये आपके पास एक परपेंडिकुलर आया था, एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो फॉर्म द 90 डिग्री फ्रॉम द गिवन लाइन. तो इस कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम इसी ट्राइंगल्स में हम करेंगे इसका ड्रॉ. तो आपने क्या किया, कंपास लिया, इस पॉइंट पर रखा, और आपने रेंडमली ये वाली जो साइड से इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया, ये डिवाइड्स किया. ठीक है, ये इस तरह से आप डिवाइड करोगे, ये इस तरह से डिवाइड्स हो जाएगा. डिवाइड करने के बाद फिर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट पर आप क्या करें, कंपास को रखेंगे और नीचे की तरफ इसको कट करेंगे. जब भी आप इसको कट करेंगे देन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन दिस लाइन, इसी लाइन पर वो हमेशा बनेगा. दैट मीन्स अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर फिर से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कि जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री बनता है दैट मीन्स वी कैन से इट इज ऑल्सो नॉन एज द एल्टीट्यूड. यही लाइन आपकी क्या बन जाएगी, एल्टीट्यूड बन जाएगी. क्यों, क्योंकि ये मीडियंस भी है और ये जो बेस आपके पास है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल्स भी बनाएगी, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कॉन्साइड हो जाएगी. तब हम कह सकते हैं इन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ओके, जहाँ पर ये दोनों इक्वल साइड्स एक दूसरे को कट करती है, उस वर्टेक्स से, है ना,
पास होने वाला जो एल्टीट्यूड होता है वो ही मीडियन भी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये जब तक आप समझेंगे नहीं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, तो हायर क्लासेस यानी कि नाइन्थ क्लास से ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है अच्छे से, जिसमें थ्योरम्स आती है, बहुत सारी थ्योरम्स को हम प्रूफ भी करते हैं। तो इनमें ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डायरेक्टली वहाँ पर एज ए प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर्स भी है, इसको अच्छे से आप इसको रीड करें, पढ़ें, और इसके बारे में अदर्स रेफरेंस बुक्स जो भी है आपके पास उसका भी यूज़ करके उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक के अंदर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर आप टाइप जरूर करें, आप अपने एक्सपीरियंस भी शो इसमें आप टाइप करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जैसा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसके बारे में ज़रूर इसको मुझे बताएं, और कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप बताएं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम से उसको ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सॉल्व करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।